कल अचानक सियासी हलचल उस वक्त तेज हो गई जब नीतीश कुमार ओडिशा और आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। कल ओडिशा में जहां बीजेपी सरकार का गठन हुआ और मोहन मांझी ने सीएम पद की शपथ ली, तो वहीं आंध्र प्रदेश में भी एनडीए सरकार का आगाज हुआ और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू और मोहन मांझी के शपथ ग्रहण समारोह से नीतीश कुमार की दूरी ने विपक्ष को निशाना साधने का मौका दे दिया है। विपक्ष का दावा है कि एनडीए में चीजें बिगड़ने की शुरुआत हो चुकी है। जब कयासों का दौर शुरू हुआ तो नीतीश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों मुख्यमंत्रियों को बधाई दी। सबसे पहले नीतीश ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को शुभकामनाएं दी और लिखा कि चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। इसके बाद नीतीश कुमार ने ओडिशा के नए सीएम मोहन मांझी को बधाई दी। नीतीश ने लिखा, मोहन मांझी के नेतृत्व में ओडिशा के विकास को गति मिलेगी।